नमस्ते दोस्तों, साउंड एंड टेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज पूजा से थोड़े ही दिन पहले आप सभी लोगों के लिए मैं लाया हूं एक बजट फ्रेंडली क्रॉसओवर। क्योंकि दोस्तों, क्रॉसओवर क्या काम में आता है ये हम सभी को पता है, पर क्रॉसओवर का प्राइस थोड़ा इधर उधर होने के वजह से हम सभी लोग क्रॉसओवर जब लेने जाते हैं तब थोड़े पीछे हट जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए लाया हूँ एक ऐसा क्रॉसओवर जो रहेगा आपके बजट के अंदर और जिनके अंदर कंपनी ने कूट कूट के फीचर्स डाल के रखे हैं। तो जी दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने लाए हैं टॉरस की ओर से एक क्रॉसओवर जिसका मॉडल नंबर है XPL 3.1F। ये बेसिकली एक थ्री वे का क्रॉसओवर होने वाला है जिनके अंदर से आप सबवूफर, मिड और हाई फ्रीक्वेंसी चलाने के लिए अलग अलग लाइन दो जोन में पा लेंगे। दोस्तों, अगर ओवरव्यू का बात किया जाए तो यहाँ पे आपको दिखेगा टॉरस का ब्रांडिंग, फिर आपको यहाँ पे चैनल ए के लिए लो फ्रीक्वेंसी, मिड फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करने के लिए वॉल्यूम वीसीज, और इन तीनों चैनल को अलग अलग करके म्यूट करने के लिए आपको यहाँ पे म्यूट का सुविधा दिया जाता है जो आपको रेड इंडिकेटर के साथ अवेलेबल हो जाएगा। और यहाँ पे आपको फुल रेंज करने के लिए भी ऑप्शंस दिया जाता है। इन क्रॉसओवर को आप टू वे या थ्री वे करके चला सकते हैं। मैं यहाँ पे टू वे पे चला रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पे जो मोड है वो मैंने टू वे पे कर लिया, वरना आप थ्री वे पे चलाना चाहे तो यहाँ पे आप ये मोड ऑफ करके थ्री वे में क्रॉसओवर चला सकते हैं। और इस तरफ भी अगर आए तो ये लो, मिड और हाई का फ्रीक्वेंसी चैनल बी के लिए आपको अवेलेबल हो जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ मोनो में आपको सबवूफर ड्राइव करने के लिए एक अलग ऑप्शन दिया जाता है विथ म्यूट बटन। और दोस्तों, सबसे आखिर में आपको आएगा पावर का स्विच और यहाँ पे आपको दिख जाएगा मॉडल नंबर। ठीक है, तो इसका बैक साइड व्यूज में हम देखेंगे कैसे हमने कनेक्शन डाल के रखा है और एक्सप्लेन भी कर देंगे आपको। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है इनका इनपुट सेक्शन। तो इनपुट सेक्शन में हमने दो चैनल के लिए दो बूस्टिंग कनेक्ट कर लिए हैं। XLR से फिलहाल मैं अभी यहाँ पे 6.5 में ड्राइव कर रहा हूँ। और यहाँ देखिए, सबवूफर के लिए मैं दिखा देता हूँ, ये पीला कलर का XLR 2 6.5 यूज़ कर रहा हूँ। और टॉप्स चलाने के लिए यहाँ पे एक रेड कलर का और एक ग्रीन कलर का जो XLR 2 6.5 है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ टॉप चलाने के लिए ऊपर में स्टेंजर की ओर से आती है, स्टेंजर का 2K है। और यहाँ पे बेस के लिए 3K यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हालांकि मेरे पास जो टॉप्स और बेस आप देख सकते हैं वो आहूजा की 650 वाला बेस है और टॉप्स में तो 400 वाट का स्पीकर डाला हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, मिक्सर से कनेक्ट किया हूँ मैंने क्रॉसओवर को और मिक्सर है यहाँ पे MG06X। अब बारी है आप लोगों को साउंड टेस्ट दिखाने का और यहाँ पे क्रॉसओवर में आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलता है वो मैं थोड़ा आपको साउंड टेस्ट के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमने ऑन कर लिए हैं एम्पलीफायर्स और ऊपर डाला हुआ है टॉप और नीचे डाला हुआ है मेरा सबवूफर। तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ फुल रेंज में, यानी कि टू वे मोड में। तो फिर मेरा यहाँ हाई का कोई काम नहीं, ये मिड रेंज और लो फ्रीक्वेंसी का दोनों वॉल्यूम स्विच मेरा काम में आने वाला है। वो कैसे, साउंड टेस्ट के साथ थोड़ा देख लीजिए। मैं पहले यहाँ पे टॉप्स का साउंड खोलता हूँ। जैसे कि आप सुने, टॉप के अंदर से बेस नहीं आ रहा था। अभी आप बॉक्स के थोड़ा सामने जाके देख लीजिए, मैं एक बार और साउंड खोल देता हूँ, वहाँ पे भी आपको बेस कानों पे नहीं आएगा। ये सिर्फ
मिड रेंज में आपको ड्राइव कर रहा है, जबकि हमने यहाँ टू वे में डाल के रखे हैं और फुल रेंज का पूरा बटन काट के रखे हैं। जब ये फुल रेंज यूज़ करेंगे तब थोड़ा थोड़ा करके टॉप्स के अंदर बेस प्रोवाइड होगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं टॉप हमारे मिड रेंज ड्राइवर्स होते हैं, इसीलिए हम लोगों को टॉप्स के अंदर उतना ज़्यादा बेस होने का ज़रूरत नहीं रहता। सब ऊपर का जो बेस होता है टाइट वाला, उसी से हमारा काम अच्छे से निपट जाता है। तो फिर देखिए, मैं फुल रेंज यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके खोलूँगा, पहले मैं गाना चला देता हूँ। यहाँ से आपको आवाज़ आ रही होगी, टॉप के अंदर से एक बेस का आवाज़ आ रहा है, जबकि मैंने यहाँ पे पूरा पूरी सब ऊपर कट के रखे हैं। टॉप्स का साउंड तो अब मैंने काट दिया, अब टेस्ट कर लेंगे नीचे जो सब ऊपर अब देख सकते हैं उनको। तो फिर मैं क्या करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ दोनों सब ऊपर को ऑन कर देता हूँ और आप उनका साउंड पहले देख लीजिए, फिर सब ऊपर के साथ एक साथ टॉप कंपेयर करके देखेंगे। चलिए फिर सब ऊपर को ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे जो साउंड आपको आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सब ऊपर का आ रहा है, टॉप अभी तक हमने छोड़े नहीं। इसके साथ अगर टॉप छोड़ेंगे तो क्या साउंड आउटपुट आपको मिलता है वो आप देख लीजिए। फिर यहाँ आपको लेकर आएंगे और दिखा देंगे कौन सा वॉल्यूम नॉब किसके लिए काम करता है। पहले आप लोगों के लिए साउंड टेस्ट। यहाँ आप देख सकेंगे मैं पहले मिड रेंज खोल रहा हूँ, टॉप्स का क्या साउंड आ रहा है। इनके साथ मैं फुल रेंज खोलता जाता हूँ। हो गया मेरा टॉप एडजस्ट, आप खोलते हैं लो तक। Thank you.
था मेरे तरफ से टॉरस का जो क्रॉसओवर है उनका लाइव साउंड डेमोंस्ट्रेशन, जिसका मैंने बहुत कोशिश किया आप लोगों के सामने जितना अच्छा साउंड क्वालिटी प्रोवाइड कर सकूं, पर कुछ सेटअप का तो प्रॉब्लम है ही, आप सभी समझ सकते हैं। जब आप सब लोग और ज़्यादा मेरे साथ जुड़ते जाएंगे तो मैं वादा करता हूँ मेरा साउंड का जो क्वालिटी है वीडियो में वो भी दिन ब दिन इम्प्रूव होता जाएगा दोस्तों। तो फिर उनके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है कि हमारा परिवार भी बड़ा हो जाए और यहाँ से आपको जेन्युइन क्वालिटी का साउंड के साथ हर एक वीडियो मिल पाए। तो फिर दोस्तों अगर ये प्रोडक्ट आपको चाहिए होगा तो आप क्या करेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएंगे और वहां पे आपको मिलेगा मनोहर रेडियो का पूरा डिटेल्स और उनका फोन नंबर, तो फिर आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनका प्राइस डिटेल्स के बारे में पूछ सकते हैं और मॉडल्स के बारे में पूछ सकते हैं, और जो कोलकाता पे रहते हैं वो भैया वहां पे जाके इनका और अच्छे से लाइव डेमोंस्ट्रेशन अपने कानों में सुन सकते हैं। और फिर वीडियो था यहीं तक, मिलते हैं नए किसी वीडियो के साथ, और पूजा बहुत अच्छी तरह से आप सभी के गुजरे यही शुभकामना है मेरे तरफ से। तो फिर जय हिंद, वंदे मातरम।